तो आज हम लोग सीखेंगे कटिंग लेंथ ऑफ स्टेरप्स बार्स निकालना। स्टेरप्स बार्स क्या होता है? स्टेरप्स बार्स वो होता है जो मेन बार जो होता है कॉलम में, उसको टाई अप करने के लिए, उसके सही पोजीशन पे टाई करने के लिए उसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग स्टेरप्स का कटिंग लेंथ, आइए कुछ डाटा को देख लेते हैं। जैसे कि कॉलम की साइज़ हमारी है 250 बाई 300 और डाया ऑफ बार जो यूज़ हुई है स्टेरप्स के लिए वो है 8 mm और क्लियर कवर जो है कॉलम का वो 25 mm है ईच साइड। कोई भी बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने में हम लोग कुछ एजम्पशंस का ध्यान देते हैं या फिर कुछ बातों का ध्यान देते हैं, जैसे कि हुक लेंथ जो होती है वो 10D होती है, यानी 10 × डाया ऑफ बार, जो भी डाया का स्टेरप्स है या फिर जो भी डाया का बार है, हुक जिसका होगा उसका 10 × डायामीटर हो जाएगा। और जो बेंड होती है, जब जब 90° बेंड, 45° बेंड और 135° बेंड जहाँ भी सरिया में होती है, तो वहाँ क्या होता है, इलोंगेशन के थोड़ा सा आ जाता है, बेंड करने की वजह से थोड़ा सरिया बढ़ जाता है। तो उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ जैसा बेंड होता है, 45° बेंड होता है तो 1D माइनस करते हैं, और 90° बेंड होता है तो 2D माइनस करते हैं, और 135° बेंड होता है तो 3D माइनस करते हैं हम लोग टोटल कटिंग लेंथ में से। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस स्टेरप्स का, आइए हम लोग स्टेरप्स का कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो जैसा कि ये कॉलम का सेक्शन है, ये 250 बाई 300 का, तो इसका क्लियर कवर हटा के दोनों साइड का जो सरिया का लेंथ है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो एक साइड का जो है दोनों साइड का कवर माइनस करने के बाद 200 mm आया, और दूसरे साइड का दोनों साइड का क्लियर कवर माइनस करने के बाद 250 mm आया। और हम लोग कटिंग लेंथ निकालने के लिए स्टेरप्स का फॉर्मूला है 2 × b प्लस 2 × b' प्लस 2 × 10D। 10D जो है वो हमारा हुक के लिए है, दो हुक है तो 2 × 10D, और माइनस करेंगे जो डिडक्शन होगा बेंड के लिए वो 3 × 2D। 2D हो गया आपको 90° बेंड के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारा 90° बेंड कितना है, 1, 2, 3, इसीलिए 3 × 2D माइनस 2 × 3D। 3D हो गया 135° के लिए, 135° बेंड हमारा दो बेंड है, तो यहाँ पे 2 × 3D माइनस होगा। तो सारे वैल्यू को पुट करते हुए 2 × 200 जो कि हमारे एक साइड की सरिया की है लेंथ, और प्लस 2 × 250, सारा वैल्यू हम ऐसे ही डाल देंगे। अब हम फॉर्मूला के हिसाब से उसके सारे वैल्यू उसके प्लेस पे डाल देंगे, और उसके बाद हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आया वो 964 mm आया, यानी 0.964 मीटर। वेट ऑफ एक स्टेरप्स का निकालने के लिए, वेट ऑफ वन स्टेरप्स इक्वल टू 0.964 × यूनिट वेट ऑफ 8 mm। 8 mm का जो यूनिट वेट होता है वो होता है 0.395। तो हमारा ये आंसर निकल गया 0.380 kg एक स्टेरप के लिए हमारा 8 mm का बार लगेगा। जो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।